नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए खबरों के सिलसिला को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। केंद्र जनता को केवल धोखा देने लगी है। जी हां, झारखंड के रांची जिला में कोल ब्लॉक आवंटन और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र पर जमकर बरसे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर भट्टाचार्य ने कहा, केंद्र औने पौने दामों में आडनी अंबानी को कोल ब्लॉक नीलाम कर देगी और झारखंड में इससे विश्व स्थापना बढ़ेगा। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन पार्टी जनता के अदालत में जाएगी। वहीं पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी पर कहा, केंद्र जनता को केवल धोखा देने में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल के दाम कम थे, तब भी यहां पर तेल महंगे थे। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद सहनवाज की रिपोर्ट। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जीरो में भी आ गया था, जब तब भी सरकार दाम बढ़ा रही थी। हर दिन जितना लूट सके तो लूट, केंद्र सरकार की योजना बन गई। उनको लगा कि हमको जो बहुमत मिला है लोकसभा में, वो हमको अब ये मौका दे दिया है कि मैं लोगों को यहाँ पर लूट लूं, लोगों को नंगे सड़कों पे बैठा दूं। ये हमारे प्रधानमंत्री की योजना, और केवल झांसे की बात थी। रोज एक एक योजना का घोषणा, ऐसा झांसा देकर लोगों को लूटना, ये देखिएगा आने वाले दिनों में इसका क्या रिएक्शन होता है लोगों के। इतनी देखिए, ये सरासर गलत है। हम संघीय ढांचा में रहते हैं, आप अचानक से आते हैं और कोल ब्लॉक आवंटन की बात करते हैं। कौन सा कोल ब्लॉक? जो 20 लाख के राहत पैकेज का, ये क्या लूटना है? लूटने के लिए राहत होता है क्या? और आप देखिएगा कि झारखंड में एकदम गढ़वा से शुरू कीजिए और साहेबगंज तक आलू का खेती हम लोग जैसे करते हैं ना, वैसे गड्ढे खोदे जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे? बड़े पैमाने पे विस्थापन। उससे बड़ी बात, आज के दिन में कोयले का डिमांड कहीं नहीं। कोल इंडिया के पास में कोल सरप्लस है, इंडस्ट्रीज बंद है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल का दाम गिर गया। वैसे में आप जब वर्चुअल कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन करेंगे तो वो गिरे हुए रेट पर करेंगे। चालाकी यही है कि औने पौने दाम पर अदानी अंबानी और कुछ विदेशी कंपनी को ये खदाने दे देना। राज्य सरकार के हित उसमें क्या होंगे? मजदूरों के हित क्या होंगे? विस्थापितों के लिए क्या ये योजना है? किसी तरह की कोई बात नहीं। इसलिए सरकार तो कोर्ट में गई है, लेकिन पार्टी जनता के कोर्ट में जाएगी। और पुनः जो आंदोलन होता था राज्य निर्माण का, आर्थिक नाकेबंदी का, उस तरह के आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। गैस सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। जी हां, यूपी के जिला कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र के गड़ी हरनाठेर ग्राम में पूर्व प्रधान ठाकुर रामपाल सिंह के घर अचानक गैस सिलेंडर लीक होने के कारण गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा घर में हुआ, जिससे उनके घर को काफी क्षति पहुंची और घर पर काम कर रहे युवक और ठाकुर रामपाल सिंह की धर्मपत्नी को गंभीर चोटें आई। लाखों का कीमती घरेलू सामान विस्फोट आगजनी के कारण नष्ट हो गया। आनन-फानन में उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। आइए देखते हैं कासगंज से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर, ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मासिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है
और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 0162351 2301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी, प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः भी स्वागत है आप सभी का, और खबरों के सिलसिला पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। मनरेगा का मुख्य फोकस है आम लोगों तक पैसा पहुंचे। जी हां, झारखंड के रांची जिला में मनरेगा को लेकर सुदेश महतो ने कहा कि मनरेगा का मुख्य फोकस है आम लोगों तक पैसा पहुंचे, और वही पैसा चैन के द्वारा टैक्स के रूप में सरकार के पास आती है। चीनी सामानों को लेकर कहा कि केंद्र ने 2 ट्रेनों के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर उन्होंने अपना रुख इस मामले में साफ कर दिया है। ऐसे में अगर वह आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश उनके साथ आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। एक मनरेगा स्कीम, मनरेगा का मूल तो फोकस कि आम लोगों तक पैसा पहुंचे, यही पैसा चेंज करके बाजार को उपलब्ध होता है, ये तो आधार है। क्योंकि अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही चलती है कि नीचे पैसा जाएगा वो बाजार में आएगा, बाजार से सरकार के टैक्सेस बनेंगे और वो पूंजी बनेगा, फिर सरकार उससे योजना चलाएगी। यही पूरा सिस्टम है, यही जो सिस्टम चलता है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई आधार और तैयार करना चाहिए और विकल्प तैयार करना चाहिए। टैक्सेस तो एक सिंपल है कि आपने 8 रुपया बढ़ा दिया, अब 8 रुपया हमको देना है। 1 लीटर तेल भरेंगे हम, अगर 5 दिन सवारी करते हैं, 3 दिन सवारी करेंगे तो 8 रुपया वापस में आ दिया। आपने हमको क्या दिया, 1000 रुपया किसान को दिया है। आपने 500 रुपया हमको दिया महीना में। आपने 20 किलो 10 किलो अनाज हमको दिया। आप उनको देखो तो क्या हो रहा है, मिला के देखो। मैं उनकी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भारत को आत्मनिर्भर बनने का, मैं अभी जितने भी बातें कहा कि नए विकल्प तलाशते होंगे और आत्मनिर्भर बनने के ही पहल पर जोर दे रहे हैं। लगभग लगभग यही बातें आज से, जब आजादी के बाद, आजादी के समय आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो की अपील आज इतने वर्षों के बाद फिर से हुई है। ये लोकव्यापी हो जाए, लोगों तक चली जाए और हर लोग इसे सोचना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से हम लोग आगे जाएंगे। जहां तक चाइना के साथ व्यापार का मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। ये व्यापार उनको किस रूप से करना है, कितना करना है, क्योंकि उन्होंने एक संदेश दिया, 2 रेल के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करें और समाप्त करके संदेश दिया कि भविष्य में हमें किस ओर जाना है। हम चाहेंगे कि इसमें वो आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश उनके साथ आगे बढ़ेगा। दुमका और बेरमो उपचुनाव में हमारी बड़ी जीत होगी। जी हां, झारखंड के रांची जिला में होने वाले दुमका और बेरमो उपचुनाव में राज्यसभा में मिली जीत कितना लाभ दे पाएगी के सवाल पर प्रतुल साहदेव ने कहा कि जीत जीत होती है और जीत का लाभ अवश्य मिलता है। यह चुनाव साफ दिखता है कि न केवल जनता का बल्कि विधायकों का भी यह सरकार से मोह भंग हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जीत की गूंज बेरमो और दुमका उपचुनाव में भी दिखाई देगी। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद सनवाज की रिपोर्ट। देखिए, जीत जीत होती है और जीत निश्चित रूप से नेताओं कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार करती है। और इस बार अगर आप देखें तो यूपीए ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया था और मुख्यमंत्री जी ने येन क्रेन प्रक्रेन बहुत प्रयास भी किया था, लेकिन हमारे प्रत्याशी को यूपीए के गठबंधन के प्रत्याशी से भी ज्यादा वोट मिला और कांग्रेस का प्रत्याशी तो चारों खाने चित हो गया। तो ये साफ दिखाता है कि 6 महीने के भीतर ना सिर्फ जनता का इस सरकार से मोह भंग हो गया है, बल्कि सरकार को जो समर्थन कर रहे विधायक हैं उनका भी मोह भंग हो गया है, तभी हमें उनका मत प्राप्त हो रहा है। और ये जीत की गूंज बेरमो और दुमका के उपचुनाव में भी सुनाई देगी, क्योंकि कोई भी चुनाव जो है वो जनभावना का रिफ्लेक्शन होता है। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से 6 महीने के भीतर ये सरकार पूरे तरीके से एक असफल सरकार साबित हुई है, तो बेरमो और दुमका दोनों जगह हम बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। बस चालक कल्याण संघ ने की बैठक। जी हां, झारखंड के रांची जिला में बस चालक कल्याण संघ की बैठक कोरोना महामारी में त्रस्त हुए चालकों के समस्याओं को देखते हुए रखी गई।
तमाम समस्याओं को प्रकाशित करते हुए फूलन तिवारी ने कहा कि इस महामारी में बस संचालकों के द्वारा अफवाह फैलाया गया कि चालक एवं सहचालकों को सहयोग के तौर पर पैसे दे रहे हैं, जिसको भी बस चालक कल्याण संघ पूरी तरह से खंडित करता है। किसी भी चालक को कोई भी सहयोग नहीं मिला है। साथ ही तिवारी ने कहा कि ट्विटर के माध्यम से भी राज्य के मुख्यमंत्री को सूचित की गई है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। बैठक में ही मौजूद विश्वनाथ मिश्रा ने कहा कि हमारी ना तो राज्य सरकार से दुश्मनी है, ना ही किसी बस मालिक से। बस चालक कल्याण संघ का बस इतना ही मांग है कि वर्तमान की सरकार बस चालक एवं सहचालक पे भी ध्यान दे, क्योंकि इस विकट महामारी में चालकों की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हो गई है। साथ ही इस बैठक में मौजूद राणा बजरंगी सिंह, मोहम्मद महफूज, दिवाकर पांडे, राकेश, मोहम्मद अजीज, संजू चौहान, अरविंद करण देव आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद सनवाज की रिपोर्ट। समाचार पत्र द्वारा अफवाह फैलाया गया, इसका विरोध हम लोग करते हैं। हमारे चालक चालक को किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि नहीं मिली है और हिंदुस्तान खबर प्रेस के माध्यम से यह अफवाह फैलाई गई है। 14/6/20 को हमारी संस्था बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन जी के मिले थे, परिवहन मंत्री से 18/6/2020 को मिले और ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी सूचना दी गई है इसकी कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है, हमारी मदद की जाए, यानी बस चालकों की मदद की जाए ताकि परिवार चलाने में किसी को कोई कठिनाई ना हो। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, किसी बस ओनर से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आर्थिक स्थिति से है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। और हम सभी चालक यही चाहेंगे कि हमारे सभी चालक उपचालकों पर ये सरकार द्वारा, बस मालिकों द्वारा ये इस तरह का किया जाए कि ताकि आर्थिक स्थिति हमारी भी सुदृढ़ हो, हम भी जो आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हैं इसे उबर सके। आज हमारी खादगढ़ा बस स्टैंड में अभी सभी बस चालकों द्वारा मीटिंग किया गया, इसमें यही निर्णय लिया गया। ये थे अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।